बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर टू आवर सराउंडिंग्स। टुडे वी विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। लेट्स डू ए, टिक द एक्शंस दैट कीप योर सराउंडिंग्स ग्रीन। उस एक्शन पर टिक लगाएं जिससे आपकी सराउंडिंग्स ग्रीन रह सकती हैं। एक्शंस मीन काम, उस काम पर टिक लगाएं। नंबर वन, दिस गर्ल इज़ प्लांटिंग, ये गर्ल इस प्लांट को लगा रही है। नंबर टू, दिस मैन इज़ कटिंग दिस ट्री, ये आदमी इस दरख्त को काट रहा है। नंबर थ्री, द बॉय इज़ वॉशिंग दिस प्लांट, ये बॉय इस प्लांट को पानी दे रहा है। स्टूडेंट्स, व्हाट यू थिंक, कौन सा एक्शन ठीक है? नंबर वन एंड नंबर थ्री। नंबर वन में गर्ल प्लांट लगा रही है और नंबर थ्री में बॉय प्लांट्स को पानी दे रहा है। इस तरह से हमारी सराउंडिंग्स ग्रीन रह सकती हैं, इसलिए हम ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री पर टिक लगाएंगे और ऑप्शन टू को ऐसे ही रहने देंगे। बी, कलर द थिंग्स यू सी अराउंड योर हाउस। नंबर वन ट्री, नंबर टू एलिफेंट, नंबर थ्री डस्टबिन। उन चीज़ों को कलर करें जो अपने आप घर के इर्द गिर्द आप देखते हैं। तो नंबर वन ट्री एंड नंबर थ्री डस्टबिन, बिकॉज जो एलिफेंट है या तो वो ज़ू में होता है या फिर फॉरेस्ट में होता है, हम घर में तो नहीं रखते। स्टूडेंट्स, इस तरह आप पिक्चर्स को कलर करेंगे, आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। लेट्स थिंक एंड आंसर। सारा वाज शार्पनिंग हर पेंसिल इन द क्लासरूम, शी थ्रू द लिटर बिलो हर डेस्क। सारा क्लासरूम में पेंसिल को शार्प कर रही है, वो डेस्क के नीचे, बिलो नीचे लिटर कचरे को थ्रू फेंकती है, या उसने कचरा डेस्क के नीचे फेंका। डू यू थिंक शी डिड राइट थिंग, क्या उसने सही काम किया? नो, कचरा फैलाना तो बुरी बात है, कचरे को डस्टबिन में फेंकते हैं। नो, वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर सारा, अगर आप सारा होते तो आप क्या करते? इफ़ आई वॉज सारा आई वुड थ्रू द लिटर इन द डस्टबिन, अगर मैं सारा होती तो मैं डस्टबिन में लिटर को फेंकती। लेट्स इक्वायर, राहील प्लांट्स ट्री इन हिज सराउंडिंग्स, ही टेक्स केयर ऑफ देम। राहील अपनी सराउंडिंग्स में ट्रीज़ को लगाता है, ही टेक्स केयर ऑफ देम, फिर उनका ख्याल रखता है। ही नेवर फॉरगेट्स टू वाटर देम, वो उन्हें पानी देना नहीं भूलता। व्हाट वैल्यू इज़ शोन बाय राहील, राहील कौन सी वैल्यू को शो करता है? ए, केयर फॉर सराउंडिंग्स, वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखता है। बी, केयर फॉर पेरेंट्स, या फिर वो अपने वालदैन का ख्याल रखता है। केयर फॉर हाउस, या अपने घर का ख्याल रखता है। केयर फॉर नेबर्स, या फिर अपने हमसायों का ख्याल रखता है। स्टूडेंट्स, जब वो ट्रीज़ लगा रहा है और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखता है, मीन्स ग्रीन रखता है, और फिर उनका ख्याल रखता है और प्लांट्स को पानी देता है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, केयर फॉर सराउंडिंग्स। सो हम ऑप्शन ए पे टिक लगाते हैं। लेट्स इन्हेंस आवर लाइफ स्किल्स, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। कलर द क्लाउड्स दैट शो एक्शंस यू शुड डू टू कीप योर हाउस क्लीन, उस क्लाउड को कलर करें जिससे ये जाहिर होता है कि आप अपने घर को साफ रखते हैं। नंबर वन, कीप योर बैग एंड बुक्स एट द राइट प्लेस, अपने बैग और बुक्स को सही जगह पर रखें। नंबर टू, लीव योर टॉयज़ हेयर एंड देयर, अपने टॉयज़ को, खिलौनों को इधर उधर छोड़ दें। नंबर थ्री, कीप यूज्ड प्लेट्स आफ्टर डिनर इन द किचन सिंक, खाना खाने के बाद इस्तेमाल की हुई प्लेट्स को किचन के सिंक में रखना चाहिए। तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप वन और ऑप्शन थ्री को कलर कर लेंगे। ऑप्शन वन एंड थ्री इज़ करेक्ट आंसर। क्या
कि अपने बैग और बुक्स को सही जगह पर रखें और खाना खाने के बाद प्लेट्स को किचन सिंक में रखना चाहिए। इस तरह हम अपने घर को क्लीन रख सकते हैं।